करनी माता का रोप वे यानी केबल कार उदयपुर के अंदर काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस के अंदर आता है, और अगर आप उदयपुर विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर इस प्लेस पे ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ करनी माता का मंदिर है। मछाला हिल्स के ऊपर इस टॉप पे बना हुआ है, और इसके दो रास्ते हैं, आप पैदल द्वारा भी यहाँ पहुँच सकते हैं और केबल कार द्वारा भी पहुँच सकते हैं। तो केबल कार से जहाँ से 8 से 10 मिनट का राइड है केबल कार का, और जो काफ़ी अच्छी है, आपको काफ़ी एन्जॉय आएगा इसके राइड के अंदर। और इस केबल कार के अंदर पर हेड जो टिकट है आप इंडिविजुअली लेते हैं तो 120 रुपये पर हेड है, और अगर आप केबिन बुक कराते हैं 4 पर्सन के लिए तो 600 रुपये के करीब का 4 पर्सन का बैठता है टिकट, और 8 लोगों के जो लिए केबिन जो है आपका 850 रुपये है। तो इसमें 3 केबिन जो हैं एक साथ अटैच रहती हैं, और 3 केबिन जो है एक डायरेक्शन में जाती हैं तो दूसरा 3 केबल जो है नीचे आता है, अप एंड डाउन के हिसाब से चलता है। आप इसमें जो वेटिंग टाइम रहता है केबिन्स के अंदर यानी कि केबल कार में बैठने के लिए राइड करने के लिए 8 से 10 मिनट का रहता है। ये टाइम जो है जब आपका सीजन होता है और काफ़ी टूरिस्ट होते हैं तो ये बढ़ भी सकता है, लेकिन आपका ओवरऑल अगर देखा जाए इस केबल कार द्वारा आप जब करनी माता के टेंपल जाते हैं तो टोटल 1 आवर से 1.5 आवर आपका विजिटिंग आवर है यहाँ पे आपको लगेगा। तो काफ़ी अच्छी प्लेस है, बारिश के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी हरियाली रहता है, आपको पूरा टॉप व्यू से इस हिल से आपको उदयपुर के काफ़ी अच्छे साइट सीन दिखाई देंगे। ये जब केबल का आप ड्रॉप करती है जहाँ से, वहाँ से मंदिर का रास्ता लगभग जो है 400-500 मीटर है, और कुछ सीढ़ियाँ हैं जिसको चढ़ कर के आपको ऊपर जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे उदयपुर सिटी आपको बहुत ही अच्छा सुंदर सा लगता है, और क्योंकि ये सिटी जो है ये आपका करनी माता टेंपल एक ऐसे हिल स्टॉप पर है जहाँ से आपको चारों साइड से आपको उदयपुर का जो है साइट सीन आप जो है देख सकते हैं। यहाँ पिछोला लेक, फतेहपुर सागर का लेक है, आपका सिटी पैलेस है, और ये जो होटल्स हैं आपके ताज पैलेस, ये सभी जो हैं आपको काफ़ी अच्छे से नज़र आएंगे ऊपर से, और जहाँ से सनसेट का नज़ारा भी जो है काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। अगर आप शाम के टाइम आते हैं और सनसेट के सीन जो है जहाँ से काफ़ी सुंदर नज़र आएंगे, तो आप यहाँ पर किसी भी मौसम में आ सकते हैं, ख़ास करके अगर गर्मियों में ना आएँ तो अच्छा है, क्योंकि गर्मियाँ हो जाती हैं। बाकी का इस टूरिस्ट प्लेस पे हमेशा जो है लोग आते रहते हैं और काफ़ी एन्जॉय करते हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए इस प्लेस पर। तो आप आते हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट करिएगा। यहाँ इस केबल कार के पास जब आप एग्जिट करेंगे तो उसका रास्ता जो है इस जगह से होके जाता है, और जहाँ पर नीचे रेस्टोरेंट बना हुआ है जहाँ पे आप अपना रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। ये देखिए केबल कार ऑपरेट हो रही है, आ रही है, किस तरीके से ऑपरेट करती है, इसमें व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो नीचे जो इसके नीचे रेस्टोरेंट है वहाँ पे आप अपना वेटिंग करेंगे, आपका नंबर लगेगा, आपको अपने पर्ची पे नंबर लेना होगा कि आपको कौन सा नंबर दिया जाता है, फिर उस नंबर से आपको कॉल किया जाएगा, तो आप अपने नंबर के हिसाब से उस पर बैठ जाइए, और आप जो है रिटर्न जो है उसी टिकट पे आपको रिटर्न आप नीचे आ सकते हैं। तो ये देखिए हम नीचे आ रहे हैं अब। तो ये पूरे जर्नी के अंदर, इस पूरे विजिट के अंदर हमारा जो है लगभग जो है 1.5 घंटा लगा है, और यहाँ आप जो है सिटी पैलेस, सॉरी ये आपका सिटी सेंटर से या रेलवे स्टेशन से आपका लगभग 3 किलोमीटर है, और बाई टैक्सी, बाई ऑटो और किसी भी कन्वेंस के हिसाब से आप जहाँ पहुँच सकते हैं। जहाँ प्राइवेट टैक्सी या टैक्सी स्टैंड है जहाँ पे पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों में और इसको लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।